डेढ़ बीता ऊपर पत्थर है एकदम उनके गाला के जरी के 3 दिन पत्थर रहे इतना मोट पत्थर रहे एकदम दिक्कत बा के हम फसल रोपले बानी सारा फसल ऊपर से पत्थर गिरो कुल पिटा गई जोड़ले रहिन 4-5 आदमी के बियाने चल के उखाड़ल जाए खेसारी मसूरी आ ताले भोरही में अभी जाए से पहले सब पिटा गो इतना शीत पत्र हो में खेती में मरई बना के रात भर पारा देत रहे प्रकृति आपदाओं और कृषि विभाग की निष्क्रिय व्यवस्था के कारण भारतीय किसान हमेशा ही आत्महत्या करने को मजबूर होते रहे। प्रखंड गवनाहा के ग्राम रूपुलिया के गवनाहा पारसा रत्नी रतन पूर्वा डुमरिया प्रसंदा समेत दर्जनों गांव में किसान की रबी फसल चैत माह के आए भयानक ओलावृष्टि ने नष्ट कर दिया। इन सभी किसानों के आवेदन कर मुआवजा की मांग की पर 3 माह बीत जाने के बाद भी इन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। फसल नष्ट भइल तर वो जीविका पर का असर पड़ता और असर ये पड़ता कि हम फिर एक धान मराता अब रही तो बेच के अब हम धान में लगे थी अच्छा उन्हें से मिली तो हम धान की किसानी करती तो उन्हों से ना मिला लेना से सब तो बर्बाद हो सब बर्बाद हो गए। कितना दिन पहले 3 महीना दिन हो गए। कौन फसल रोवा नष्ट भइल बाटे मसूरी कितना मसूरी 8 कट्ठा कितना रहुआ खेत के फसल बर्बाद है कौन सी फसल लगले रहने खेसारी रहे मसूरी रहे तीसी रहे सब साथ होइ में के एकर खतरा आवेदन रो कइले रहने हां किसान सलाहकार आ रहे रहे पर लिख पढ़ के ले गइले लिख पढ़ के ले गइनी आइ ले कुछ ना आइ ना कुछ हमनी कोनो तो काय कर मुआवजा ना मिलो कहां मिलो सब लिख लाख के ले गइ लोग कुछ ना मिलो भाई। आप सभी दर्शकों से मैं अपील करती हूँ कि आप भी हमारी इस लड़ाई में सहयोग दीजिए जिसके लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी का मोबाइल नंबर है 9931826283। इस नंबर पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं तंजू पश्चिम चंपारण बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।